अशोक सज्जनहार जी, क्या भारत की सरकार या भारत की नीति इस समय चीन के पक्ष की दिख रही है, जैसा अभय जी ने आरोप लगाया कि साहब ये तो चीन के साथ ही खड़े? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत बारी ऐसा, न केवल हमारे जो सैनिक वहां पर खड़े हैं, सीमा पर खड़े हैं, और जिन्होंने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, हमारे अगर 20 वहां पर 15 जून को गलवान में सैनिक शहीद हुए, तो चीन ने तो ये नहीं बताया है जो उनके कितने सैनिक मारे गए हैं, परंतु अमरीका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, कोई कहता है 43, कोई कहता है 65, कोई कहता है 100 से ऊपर। तो देखिए, हमारे सैनिकों ने बड़ा अच्छे तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी बताया गया है जो प्रधानमंत्री गए थे वहां पर 3 जुलाई को, बिल्कुल सीधा सीमा पर लद्दाख में, और उन्होंने बताया जो ये विस्तारवाद की नीति खत्म हो गई है। फिर आप वो भी देखिए, जब लाल किले पर 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने LOC और LAC का दोनों साथ में नाम लिया, तो अगर हमारी दुश्मनी है, एडवर्सरी है पाकिस्तान, तो चीन को भी उसी श्रेणी में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक है, हमारे विपक्ष के नेता बोलते हैं जो चीन का नाम नहीं लेते हैं, परंतु अब कल और आज में तो चीन का नाम भी बहुत जोर शोर से ले लिया गया है। तो मैं नहीं समझता हूं जो ये चीन के साथ खड़े हैं, बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूंगा, जो हुई है पिछले ये 4 महीने का जो स्टैंड ऑफ रहा है, देखिए चीन अभी तक जहां भी उसने अपनी विजय पाई है, बिना लड़ाई लड़े विजय पाई है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या किसी देश के विरुद्ध भी, वियतनाम के विरुद्ध, इंडोनेशिया के विरुद्ध, पूरा जो साउथ चाइना सी है उसको एक चाइनीज लेक बना देना, बिना फायरिंग वन शॉट उसने वो की है। और वो ये समझ रहा था जो भारत के साथ भी, भारत को अपना साइकोलॉजिकल ऑपरेशन वॉरफेयर वगैरह दिखाएगा और भारत भी उसको सकंब कर जाएगा। परंतु आपने देखा है ग्लोबल टाइम्स कैसे दिखाता है, सभी कुछ कैसे दिखाते हैं, पर भारत उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। मेरे विचार से इससे उसको बहुत धक्का लगा है, सदमा, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। और मैं कहूंगा ये न केवल भारत के लिए, न केवल चीन के लिए, परंतु पूरी दुनिया के लिए, रोहित जी, ये एक संदेश है, क्योंकि चीन हमेशा बताता है जो हम इतनी बड़ी महाशक्ति हैं, हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता, हम तो इनविंसिबल हैं। उनका जो ये बड़ा बलून बना रहे थे उसको भारत ने प्रिक कर दिया है, वो बलून एकदम सा एक्सपोज हो गया है। ओके नहीं, एक जी ठीक है, ओके जी। अबे दुबे, अब बोलिए, क्यों हंस रहे थे आप जब कुलकर्णी साहब बोल रहे थे? देखिए, नहीं, मैं पहले तो ये बड़ी प्रसन्नता होती मुझे, और मैं भी अपेक्षा कर रहा था, जैसे सज्जनहार साहब ने अमेरिकी अखबार का हवाला दिया कि हमने चीन के सैनिकों को मारा, मैं चाह रहा था कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी सदन में कहते, जैसे समित पात्रा जी रोज डिबेट में कहते हैं, वो भी कहते हैं कि 100 सैनिकों को हमने मार गिराया। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने लगातार उन तथ्यों को इग्नोर किया जो उनको बताए जाते रहे थे। 2015 में चाइना ने व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस मिलिट्री स्ट्रेटेजी, उसका पूरे वर्ल्ड वाइड छपा, उसने कहा यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर वो काम कर रहा है, सिक्किम पर, अरुणाचल प्रदेश पर, नेपाल पर, ये सारे को एक करने की कोशिश कर रहा है, इसको इग्नोर करते रहे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आगाह करती रही कि सरहदों की हदों के साथ साथ आप व्यापार की हदें भी पार करा रहे हैं, MSME हिंदुस्तान का स्पॉइल हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया। और अंततः डोकलाम हुआ, डोकलाम में भी हमको यही बताया गया रोहित सरदाना जी, जो आज बताया जा रहा है, लेकिन 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमन जी ने हाउस में स्वीकारा कि वहां पर उस ट्राई जंक्शन पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जहां पर झगड़ा हुआ था, चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। तो हम सब देश के नागरिक एक साथ चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी और आपने कहा तो फिर हटा दीजिए, जो हमारे विदेश मंत्री जी ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, और आज भी आप गूगल करेंगे तो MEA की साइट पर पड़ा है कि ये झगड़ा इसलिए क्योंकि आपने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया और हमारी साइड LAC के हिस्से पर आकर बैठ गई, ये साफ कहा उन्होंने। कुलकर्णी साहब की बात पर सुनिए ना, कुलकर्णी साहब की बात पर इसलिए मैं हतप्रभ था, बहुत रोहित जी अब मैं बोल लूं, आप नीचे से आप हंस रहे थे, जो हतप्रभ होते तो आप चुप हो जाते एकदम, सन्नाटे में आ गए। हेलमेट टॉप है वो LAC के हमारा हिस्सा है जहां पर हमने अप्रोच किया है, ये LAC का चीन का हिस्सा नहीं है। आज मैं रक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को 2 दिन से सुन रहा हूं, अरे आप चीन के रक्षा मंत्री नहीं है, भारत के हैं। वो कहते हैं चीन का परसेप्शन LAC को लेकर है, चीन का वो, अरे हमारा LAC का जो परसेप्शन है उस पर भारत दृढ़ प्रतिज्ञ है और खड़ा रहेगा। आप सब लोग कहते हैं हम एक साथ हैं, लेकिन अपने देश का रक्षा मंत्री आपको चीन का दिखता है, उनको आपकी पार्टी ही चीन की दिखती है पूरी की पूरी। संबित पात्रा, ये कैसा एक साथ है भाई? आप लोग दावा करते हैं हम चीन के खिलाफ एकजुट हैं, कल ऑल पार्टी मीटिंग हो गई है,
सब विपक्ष के साथ बातचीत हुई है, सबके सामने सब कुछ रखा है, अगर ऐसा हुआ है तो ये ग्लोबल टाइम्स को आप लोग हर रोज क्लिप क्यों देते हैं टीवी पर बैठकर, फिर जिसको वो चलाए बाद में और बताया कि ये तो आपस में एक साथ नहीं है, हमारे खिलाफ क्या खड़े होंगे? नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने परसों भी लिखा, उससे पहले भी लिखा कि जहां तक हाइपर नेशनलिस्टिक भारत की सरकार है, एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज किया, हाइपर नेशनलिस्टिक भारत की सरकार है, वो डोमेस्टिक फ्रंट में ही ऑपोजिशन द्वारा घेर ली गई है और ऑपोजिशन ही कन्विंस्ड नहीं है। ऑपोजिशन, रोहित जी मैं शांत से बैठ जाता हूं, रोहित जी पांच पांच मिनट में इनको सुनूं और ये नॉन स्टॉप यहां पर चिल्लाते रहे, ये कहां की भद्रता है? ये लोग पढ़े लिखे प्रवक्ता है ना रोहित जी? अरे आप से बुलवा लीजिए रोहित जी, मैं शांति से बैठता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बोलना आवश्यक नहीं है, वो सुनते रहे ना, उन्होंने केवल उंगली उठाई कि मुझे भी मौका दिया जाए। जी जी, अब आप भी सुन ले उनको, बोलिए संबित। देखिए रोहित जी, मुझे कितनी तकलीफ होती है रोहित जी, मतलब यहाँ आर्मी के ऑफिसर बैठे हुए हैं, यहाँ पूर्व राजनयिक बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, आज सुबह राजनाथ जी रक्षा मंत्री ने कहा, मतलब हम बैठ के यहाँ पर लड़ेंगे कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, केवल राहुल गांधी विदेश में कहीं बैठ के जो ट्वीट कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बाकी सब झूठे हैं, ये दोनों यहाँ झूठे हैं, मैं झूठा हूँ, हमारे रक्षा मंत्री झूठे हैं, पीएम झूठे हैं, ये केवल यही हरि अवतार हैं।